हेलो फ्रेंड्स जहरूल चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए कंप्यूटर सीरीज से क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल रहेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आईबीपीएस एसओ आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क की जो स्टूडेंट है जो स्परेंट्स है जो उनके लिए तैयारी करें इन एग्ज़ाम्स के लिए अभी आने वाले टाइम में जो मेन्स एग्ज़ाम होगा आई क्लर्क के लिए उसमें कंप्यूटर सेक्शन जो आता है तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इनसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है ए ब्लैंक स्पेस इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्लेस आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम द मेन मेन्यू इससे पूछा गया है कि जो जब हम मेन मेन्यू से कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने आ, क्या जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या सेट ऑफ कमांड्स है क्या आता है हमारे सामने तो हमारे ऑप्शन है डायलॉग बॉक्स सब मेन्यू मेन सिलेक्शन ऑल ऑफ़ द दबाव नैन ऑफ दीज तो इसमें हमारा जो आंसर जाएगा वो डायलॉग बॉक्स होगा क्योंकि हमें पता है जब भी हम कुछ भी सिलेक्ट करते हैं मेन मेन्यू जैसे व्यूज़ वगैरह इन सब में जाके तो वहाँ पे एक सेट ऑफ कमांड्स हमारे सामने स्क्रीन पे खुलता है जिसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है अ लेटर मेमो प्रपोजल और अदर फाइल्स दैट इज़ क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ कॉल्ड एज मास्टर स्लाइड डॉक्यूमेंट वर्कशीट नन ऑफ तीस तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जाएगा डॉक्यूमेंट्स स्लाइड्स जो होते हैं वो हमारे एक्सेल में यूज होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द सी पी यू सी पी यू के लिए कौन सा पार्ट होता है जो कि सी पी यू का पार्ट होता है तो इसमें हमारा सेकेंडरी मेमरी कंट्रोल यूनिट इनपुट डिवाइस प्रिंटर नन ऑफ दीज तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जाएगा कंट्रोल यूनिट ये एक सी पी यू का पार्ट होता है हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द पोर्टेबल कंप्यूटर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर सेकेंड कैलकुलेटर थर्ड सीरीज कंप्यूट फोर्थ पैरल कंप्यूटर फिफ्थ नन ऑफ दीज तो ये हमारा क्वेश्चन है इसके लिए हमारा आंसर जाएगा सीरीज कंप्यूट्स इज नॉट द पोर्टेबल कंप्यूटर हमारा अगला क्वेश्चन है द रोम चिप विच कैन बी री रिटर्न सेवरल टाइम्स एंड रिक्वायर्स द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू इरेज इट्स कंटेंट इज फ्लैश मेमरी पी रोम ई पी रोम ई पी रोम नन ऑफ दीज तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जाएगा ई पी रोम हमारा अगला क्वेश्चन है एफ पी एफ पी आई स्टैंड फॉर फॉल्ट पर इंच फ्रेम पर इंच फिगर पर इंच फिल्म पर इंच नन ऑफ दीज तो इसका हमारा ऑप्शन है फ्रेम पर इंच हमारा अगला क्वेश्चन है अटैरा बाइट कंप्राइज़ वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर गेगा बाइट वन थाउजेंड किलो बाइट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर मेगाबाइट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट नन ऑफ दीज टेराबाइट तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा दिस वन फर्स्ट ऑप्शन वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेमोरी विच इज एट मोस्ट एक्सेसिबल टू द प्रोसेसर इज फर्स्ट कैश मेमोरी सेकंड रैम थर्ड हार्ड डिस्क फोर्थ फ्लैश मेमोरी फिफ्थ नन ऑफ दीज तो कैश मेमोरी विच इज़ एट मोस्ट एक्सेसिबल टू द प्रोसेसर तो हाँ इसके लिए हमारा कैश मेमोरी हमारा आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इन विच काइंड ऑफ डिस्क डज़ द रीड राइट हैड फिजिकली टच इज़ द सरफेस तो इसके लिए हमारे ऑप्शन है हार्ड डिस्क सेकंड कॉम्पैक्ट डिस्क थर्ड है फ्लॉपी डिस्क फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाउ और फिफ्थ नन ऑफ दीज तो हमारा इसके लिए ऑप्शन जाएगा फ्लॉपी डिस्क वट इज़ द करेक्ट सिंटक्स फॉर टाइपिंग ए फंक्शन इन टू अ सेल तो इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं इक्वल साइन फंक्शन नेम मैचिंग ब्रैकेट्स सेकेंड है फंक्शन नेम इक्वल साइन मैचिंग ब्रैकेट्स इक्वल साइन मैचिंग ब्रैकेट्स फंक्शन नेम नन ऑफ द अब और नन ऑफ दीज ऑल ऑफ द अबाओ इसके लिए हम ऑप्शन ले सकते हैं ऑल ऑफ द अबाव नन ऑफ दीज तो हमारे आगे चलेंगे इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ये हमें करेक्ट सिंटेक्स ऑफ टाइपिंग ए फंक्शन इनटू टू ए सेल सेल जो हमारी एक्सेल में जो सेल होती हैं उसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं इक्वल साइन लेते हैं फिर फंक्शन नेम लेते हैं और मैचिंग ब्रैकेट्स होती हैं तो ये इसके लिए हमारा करेक्ट सेंटेक्स होगा हमारा नेक्स्ट है इफ यू सी ए स्मॉल रेड ट्रेंगल इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ सेल इट मीनस देर इज सम अटैच टू द कॉल वट इज इट तो इसके लिए हमारे ऑप्शन होंगे ए कमेंट एन अटैचमेंट एंड एरर नन ऑफ द अब ऑल ऑफ दिस नन ऑफ दिस तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जाएगा एक कमेंट अगर हमारी जो एक्सेल की एक सेल होती है जो रो और कॉलम का एक पार्ट होता है उसमें अगर कुछ भी टॉप राइट में रेड ट्रैंगल अगर हमें बना हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ कोई कमेंट एड किया गया है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश मेमरी इज ऑप्शन की तरफ चलते हैं स्मॉलर एंड फास्टर देन मेन स्टोरेज सेकंड बिगर एंड स्लोअर देन मेन स्टोरेज थर्ड स्मॉलर बट स्लोअर देन मेन मेमोरी, बिगर एंड फास्टर देन मेन मेमोरी, एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज तो कैश मेमोरी क्या होगी हमारे लिए स्मॉलर एंड फास्टर देन मेन स्टोरेज कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको वेरी इजीली एक्सेस हम कर सकते हैं और बहुत फास्ट जो प्रोसेस जो होता है वो कैश मेमोरी का होता है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरऑल डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्टिंग ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज रेफर्ड एज फर्स्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर सेकेंड है कंप्यूटर फ्लोचार्ट थर्ड है कंप्यूटर एल्गोरिदम फोर्थ ये सभी ऑल ऑफ द अबो एंड फिफ्थ है नन ऑफ दीज तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर ओवरऑल डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरकनेक्टिंग ये सब चीजें हम अगर नॉर्मल अपने क्या बोलते हैं उसको डेली यूज में भी अगर चीजें देखें तो उसका डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन इंटरकनेक्टिंग तो ये हम किस चीज से रेफर कर सकते हैं आर्किटेक्चर इन ये जो चारों वर्ड्स हैं इनको देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि हम किसी चीज़ के आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इस जो ये कंप्यूटर सिस्टम होगा इसको हम कैसे किसकी तरफ रेफर कर सकते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरफ हमारा अगला क्वेश्चन है बी आई ओ एस आर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट हैंडलिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सेकेंड आउटपुट ऑपरेशन थर्ड इनपुट ऑपरेशन फोर्थ ऑल ऑफ द अबाओ फिफ्थ नन ऑफ दीज तो आई बी आई ओ एस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर तो ये किसकी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे हैंडलिंग द पर्टिकुलर ऑफ आई ओ जो है वो हमें पहले हमें डिफाइन करता है कि ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के हैंडलिंग के लिए हम इनको पर्टिकुलर बोल सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है बाई सिंक इज एन एब्रिविएशन फॉर फर्स्ट ऑप्शन बाइंड्री इनपुट बाइंड्री आउटपुट बाइंड्री सिंक्रोनस बाइंड्री डिजिट ऑल ऑफ द अबाव नन ऑफ दीज तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जाएगा बाइंड्री सिंक्रोनस इज एन एब्रीवेशन फॉर बाई इज एन एब्रीवेशन ऑफ सिंक्रोनस तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए प्रोसेस ऑफ ट्राइंग आउट अ न्यू प्रोडक्ट बाय इंडिपेंडेंट यूजर बिफोर इट इज फाइनली मैन्युफैक्चर्ड और डेवलप्ड दुर दुर तो इसके लिए हमारा फर्स्ट जाएगा अल्पा टेस्ट सेकंड है बीटा टेस्ट थर्ड है गामा टेस्ट फोर्थ ऑल ऑफ द अब एंड फिफ्थ नन ऑफ दीज तो इसके लिए हमारा जाएगा ऑप्शन बीटा टेस्ट हमारा अगला क्वेश्चन है विच ओ द फॉलोइंग इज सेव्ड टू तो नॉन कॉन्टीजियस क्लस्टर ऑन ए हार्ड डिस्क फर्स्ट क्लस्टर्ड फाइल डी फ्रेगमेंटेड फाइल सेक्टर्ड फाइल और फ्रेगमेंटेड फाइल और नन ऑफ दीज तो इसके लिए हमारा आंसर होगा फ्रेगमेंटेड फाइल्स ऑप्शन फोर्थ वट शुड बी यूज इफ अ कंपनी वॉन्ट्स टू इंक्लूड इट्स कंपनी नेम एंड लोगो एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज ऑफ अ ब्राउचर अगर हमें किसी हर एक पेज पे बॉटम में किसी कंपनी का नेम और लोगो अगर हमें ऐड करना है किसी ब्राउचर में तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम हैडर माइक्रो माइक्रो फूटर फुट नॉट नन ऑफ दीज तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा फूटर फुट जो कि पेज के लास्ट में होता है हेडर सबसे टॉप में होता है और मैक्रो एक स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग होती है काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग बोल सकते हैं इसको हम कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए उसको हम वेल uh, प्रिपेयर्ड well रख सकते हैं पहले से रेडीमेड काइंड ऑफ रेडीमेड चीज़ तो उसको हम अपने फंक्शन या अपनी फाइल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज़ एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन द अर्ली नाइनटीन नाइन्टी तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा सी वी बी सी प्लस प्लस पासकल नन ऑफ दीज सी इसके लिए हमारा ऑप्शन नहीं होगा इसके लिए हमारा ऑप्शन जाएगा वी बी मतलब विजुअल बेसिक हमारा अगला क्वेश्चन होगा लाइनेक्स इज अ ब्लैंक स्पेस यूटिलिटी प्रोग्राम फॉर पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग सेकंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ पी डी ए प्लेटफॉर्म फिफ्थ नन ऑफ दीस तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैंक स्पेस रंस द फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन अ नेटवर्क फर्स्ट जाएगा क्लाइंट सेकेंड डाटा बेस थर्ड सर्वर फोर्थ सी पी यू फिफ्थ नन ऑफ दीस तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जाएगा क्लाइंट द क्लाइंट रन्स द फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन अ नेटवर्क हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर क्लोज अ टैब ऑन अ ब्राउजर कंट्रोल प्लस डी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस वाई नन ऑफ दीज तो इसके लिए हमारा आंसर होगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज फॉर क्लोज अ टैब ऑन अ ब्राउजर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ आर आई एस सी एक काइंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है नोटन इज इन सॉफ्टवेयर एंटीवायरस प्रोग्राम नेटवर्क प्रोग्राम नन ऑफ दीज तो नोटन क्या है एक एंटीवायरस प्रोग्राम है हमारा अगला क्वेश्चन है एन ईमेल प्रोटोकॉल फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट एंड चेंज स्पेशली इन कॉरपोरेट ऑफिस फर्स्ट ऑप्शन है मैसेज हैंडलिंग सर्विस पोस्टल सर्विसेज डाटा स्टोरीज ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ दीज तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जाएगा मैसेज हैंडलिंग सर्विस हमारा अगला क्वेश्चन है पासवर्ड इसके लिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कोड बाय विच अ यूजर गेंस एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम सेकंड पास फॉर व्यूइंग मूवी थर्ड एंट्रेंस विदाउट पेइंग समथिंग फोर्थ ऑल ऑफ द अब एंड फिफ्थ नन ऑफ दीज तो इसके लिए हमारा आंसर जाएगा कोड बाय विच यूजर गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक व डिजिटल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड टू इट्स एनालॉग फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन ओवर एनालॉग फैसिलिटी

सेकेंड यूज मेनली फॉर टेलीग्राफ लाइन्स एंड लो स्पीड टर्मिनल्स थर्ड बोथ वन एंड टू फोर्थ ऑल ऑफ द अबउ फिफ्थ नन ऑफ दीज तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जाएगा नैरो बैंड चैनल इज अ कम्युनिकेशन चैनल्स दैट हैंडल्स लो वॉल्यूम ऑफ डाटा तो फर्स्ट हमारा इसके लिए आंसर होगा एम आई एम ई इज़ एन एक्रोनिम फॉर फर्स्ट मल्टी प्रोग्रामिंग इंटरनेट मेल एक्सटेंशन मल्टी कास्टिंग इंटरनेट मेल एक्सटेंशन थर्ड मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन फोर्थ मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन फिफ्थ नैन ऑफ दिस तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जाएगा मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन हमारा अगला क्वेश्चन है द ब्लैंक स्पीस सेटिंग्स आर ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड किसी किन्हीं सेटिंग्स को अगर हम ऑटोमेटिकली और स्टैंडर्ड सेटिंग्स बोलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं डिफॉल्ट सी पी यू पेरिफ्रोल यूजर फ्रेंडली नन ऑफ दीज तो इसके लिए द डिफॉल्ट सेटिंग आर ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड्स तो डिफॉल्ट हमारा इसके लिए आंसर होगा थैंक यू फ्रेंड्स ये हमारे थर्टी क्वेश्चन थे जो आपके लिए यूजफुल होगा बैंक एग्जाम्स के लिए भी और पी जी टी जो टैट uh, एग्जाम जो होता है टीचिंग के लिए उन सब के लिए भी बहुत यूजफुल होंगे आगे भी हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे तब तक के लिए जुड़े रहिए जयरूल चैनल के साथ थैंक यू सो मच